हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आईवीज एजुकेशन माय नेम इज़ नीतू दलाल और आज हम चैप्टर टू साइकोलॉजी टॉपिक सेल्फ एंड पर्सनालिटी को देखेंगे सो द चैप्टर फॉर टुडे इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी व्हिच इज द चैप्टर टू इन एन साइकोलॉजी क्लास ट्वेल्थ सो द फर्स्ट टॉपिक इज वॉट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडियाज अबाउट दैमसेल्स दीज आइडियाज रिप्रेजेंट द सेल्फ ऑफ अ पर्सन यानी एक इंसान के अपने बारे में जो विचार होते हैं जो आइडियाज होते हैं उससे इंसान का सेल्फ बनता है यानी अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अगर मैं कहूं कि मैं एक एक्स्ट्रोवर्ट हूं तो ये एक क्वांटिटी या ये एक ऐसी क्वालिटी जो मुझे लगता है मेरे को डिफाइन करती है ये मेरा सेल्फ बनाती है रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन यानी पर्सनैलिटी क्या है यही ट्रेट्स जब ओवर अ टाइम इंसान के स्टेबल हो जाते हैं तो ऐसे डिफरेंट ट्रेट्स मिलके इंसान की पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की इसके अंदर दो आइडेंटिटीज होती हैं दो तरह की आइडेंटिटीज या तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है फर्स्ट या फिर सोशल आइडेंटिटी अब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है इट रेफर्स टू दो एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्राम अदर्स यानी मेरे वो सारे ट्रेट्स जो मुझे किसी और इंसान से अलग बनाते हैं वो मेरे पर्सनल आइडेंटिटी कहलाएंगे जैसे मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है इफ़ आई एम अ डांसर ये ट्रेट मेरे बारे में एक क्वालिटी बताता है सो दिस इज माई पर्सनल आइडेंटिटी फॉर मी इफ आई एम एन एथलीट डांसर म्यूजिशियन ये चीज़ मुझे मेरे बारे में कुछ बता रही है सो दिस रेफर्स टू माई पर्सनल आइडेंटिटी ये हर इंसान को दूसरे इंसान से आइडेंटिटीज वेरी करती है एक इंसान में ये डांसिंग हो सकती है दूसरे में पेंटिंग हो सकती है तो जैसे आप अपने आप को डिफाइन करते हो ना कि आई एम अ डांसर जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो किसी को जब आप बोलते हो आई एम अ डांसर म्यूजिशियन आई लाइक टू रीड ये सब आप क्या डिफाइन कर रहे हो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को अब जो इसके अंदर सेकेंड आइडेंटिटी होती है वो होती है सोशल आइडेंटिटी यानी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव from इट यानी yani, ये वो सारी आपकी एफिलिएशन है आपके सोशल ग्रुप से जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं एक हिंदू हूँ तो ये मेरी सोशल आइडेंटिटी बताती है या मैं कहूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो इससे आपको क्या पता चलता है कि वो इंसान कौन से सोशल ग्रुप से एफिलिएटेड है उसका किस सोशल ग्रुप से नाता है सोशल आइडेंटिटी आपको उस चीज़ के बारे में बताती है इसीलिए सेल्फ रेफर्स टू द टोटैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसिस आइडियाज़ थाट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ़ इसका मतलब क्या सेल्फ आपका एक टोटल इंक्लूजन है ऑफ योर सेल्फ पर्सनल आइडेंटिटी एंड योर सोशल आइडेंटिटी और ये आपके एक्सपीरियंसिस आपके विचार आपकी क्रिएटिविटी और फीलिंग्स को कंबाइन करके आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट बनता है सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यानी जो मैं एक इंसान हूँ मैं एज अ कुछ सिचुएशन में एज अ सब्जेक्ट ऑपरेट करूंगी एंड कुछ सब सिचुएशन में एज एन ऑब्जेक्ट यानी अगर मैं कहूँ कि एम अ डांसर तो जो भी आपका सेंटेंस आई एम से शुरू हो रहा है उसमें मैं सब्जेक्ट हूँ यानी मैं कुछ कर रही हूँ राइट ऑब्जेक्ट क्या होगा वेन आई विल से कि आई ऑफ़न गेट हर्ट वेरी इजिली यानी मेरे साथ कुछ हो जाता है उस सिचुएशन में मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ जहाँ पे आप बोलो कि मैं बहुत जल्दी आई ट्रिप ओवर एंड आई फॉल इस सिचुएशन में आप एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं एंड वेर आई एम सेइंग कि मैं कुछ कर रही हूँ या आई एम स्टार्टिंग वहाँ पर आप एज अ सब्जेक्ट प्ले करते हो तो आपका सेल्फ क्या है इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी एंड योर सोशल आइडेंटिटी इट इंक्लूड्स योर एक्सपीरियंसिस आइडियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑल्सो सेल्फ को आप या तो एज अ सब्जेक्ट भी देख सकते हो या एज एन ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट कब देखेंगे जब आप खुद कुछ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट कब जब आपके साथ कुछ हो रहा है अब सेवरल देर आर सेवरल काइंड ऑफ सेल्फ सेवरल काइंड ऑफ सेल्फ फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ आर इंटरेक्शन विद द फिजिकल एंड सोशो कल्चरल एनवायरमेंट्स यानी हम अपने एनवायरमेंट से अपने कल्चर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारे इंटरेक्शन के क्या तरीके हैं उसके बेसिस पे कुछ विभिन्न तरीके के सेल्फ दिए गए पहला है पर्सनल सेल्फ अनओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरली कंसर्न विद वन सेल्फ यानी मेरा पर्सनल सेल्फ सिर्फ मेरे बारे में है मैं अपने इंटरेस्ट अपनी फैमिली अपने बारे में जो भी मैं बातें करूंगी या जो सोचूंगी जो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है वो मेरे पर्सनल सेल्फ का हिस्सा होगा सेकेंड है सोशल सेल्फ दिस इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स दिस वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स यानी आपका सोशल सेल्फ क्या होगा आपका फ्रेंड सर्कल आपकी फैमिली आपका डांसिंग ग्रुप आपके जितने भी ग्रुप्स का आप पार्ट हैं वो आपके सोशल सेल्फ का हिस्सा होगा इसमें आप फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को अहमियत देते हैं पर्सनल सेल्फ में यू आर कंसर्नड विद योर सेल्फ इंटरेस्ट सोशल सेल्फ में आपके रिलेशन विद अदर्स का हिस्सा है और यहाँ पे आप फैमिली और अपने सोशल रिलेशनशिप्स को अहमियत देते हैं दिस कैन ऑल्सो भी कॉल्ड फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ क्यों फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ कहते हैं क्योंकि यहाँ आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं यू आर टॉकिंग या ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी फैमिली या आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग में है दैट्स वाई दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एस फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ नेक्स्ट टॉपिक है कॉगनेटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ अब हमने डिफाइन कर दिया कि सेल्फ क्या है सेल्फ के क्या टाइप्स हैं अब हम बात करेंगे कि कॉग्नेटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एक इंसान की अपनी सोच के द वे वी परसीव आर सेल्स एंड द आइडियाज बी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी मेरी अपने बारे में सोच क्या होगी जो मुझे लगता है जो मेरे अपने आइडियाज हैं अपने कॉम्पिटेंसीज या अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में यानी मुझे लगता है कि आई एम केपेबल ऑफ डांसिंग म्यूजिक या मुझ में इंट्रोवर्ट के ट्रेट्स हैं या आई एम अ वेरी गुड स्पीकर सो दीज आर माई कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन मी एज अ पर्सन इसी में आपकी नेक्स्ट टर्म आती है सेल्फ एस्टीम सेल्फ स्टीम क्या है द वैल्यू जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट हिम सेल्फ हॉर सेल्फ इज नोन एज सेल्फ स्टीम इसी को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं एक इंसान का आत्मविश्वास या उसको अपने ट्रेट्स और अपनी कैपेबिलिटीज पे कितना विश्वास है वो अपने आप को एक कंटिन्यू पे किस रेंज में जज करता है उस चीज़ को आप सेल्फ स्टीम कहते हैं यानी एक इंसान का अपने बारे में खुद का जजमेंट इज नोन एज सेल्फ स्टीम नेक्स्ट टर्म इसमें आती है सेल्फ एफिकेसी सेल्फ एफिकेसी क्या होता है पीपल डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे दैम सेल्व कंट्रोल दे लाइफ आउटकम्स और द आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाई लैक और फेट और अदर सिचुएशनल फैक्टर्स सेल्फ एफिक्सी क्या बोल रही है कि एक इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उसके कंट्रोल में हैं या उसके वश में हैं या उसकी जिंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं वो केवल किस्मत के वश में है

डेमस्ट्रेट्स हाई सेल्फ एफिकेसी यानी मेरे सामने एक टास्क है और मुझे लगता है कि मेरे में इतनी केपेबिलिटी है या फिर मैं वो बिहेवियर्स रखती हूँ जो उस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए जरूरी है तो मेरी सेल्फ एफिकसी हाई होगी नेक्स्ट टॉपिक इन पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आई एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आर ओन बिहेवियर बोलते हैं मैं सेल्फ रेगुलेट करो अपने बिहेवियर को टीचर्स सेव वेरी ऑफन इन स्कूल यानी आपकी जो खुद ही की क्षमता है अपने बिहेवियर को सही करने की दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आर ओन बिहेवियर्स यानी ऑर्गेनाइज यानी अपने बिहेवियर को सही करना और मॉनिटर यानी उसे समय के साथ बदलते रहना या जज करना इज योर सेल्फ रेगुलेशन नेक्स्ट टर्म आती है सेल्फ कंट्रोल लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स यानी इंसान का अपनी नीड्स अपनी क्षमताओं या अपनी डिजायर्स पे जो कंट्रोल होता है उसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं नाउ दिस कैन बी एनी फॉर्म लाइक सपोज अगर एक छोटा बच्चा है उसे आइसक्रीम चाहिए बट द पेरेंट्स आर सेइंग कि नहीं वील टेक इट इन द आफ्टरनून अब इट्स कोल्ड सो इफ द चाइल्ड इज एबल टू कंट्रोल दिस डिज़ायर सो द सेल्फ कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड इज हाई अगर बच्चा डिले नहीं कर पाता एंड ही वॉन्ट्स टू ईट इट राइट नाउ दैट मीन्स द सेल्फ कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड इज लो एज एन इंडिविजुअल ग्रोज उम्र के साथ इंसान का सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन बढ़ते हैं बचपन में ये दोनों टर्म्स या ये दोनों एबिलिटीज इंसान की कम होती हैं नाउ सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ कंट्रोल या जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में वैन दे गो इन नर्सरी और के जी उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है दे डोंट नो हाउ टू बव इन द क्लासरूम सो दे कीप जंपिंग फ्रॉम वन बेंच टू अन अदर राइट वो क्या करते हैं जब टीचर क्लास में होती है बी है तब भी वो बातें करते रहते हैं बिकॉज उस टाइम पे उनका सेल्फ रेगुलेशन नहीं है एंड उनका सेल्फ कंट्रोल इज़ लो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर बिहेवियर या सेल्फ कंट्रोल इंक्लूड करना है या बढ़ाना है तो क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर यानी एक इंसान अगर अपने खुद के बिहेवियर को देखे कि वो कैसे बिहेव करता है उसमें क्या कमियां हैं उसको एनालाइज करे कि मैंने इस सिचुएशन में ये बिहेव किया था और ये चीज़ गलत थी तो ये भी एक टेक्निक है जिससे नेक्स्ट सिचुएशन में जब अगली बार आपकी ज़िंदगी में सेम इवेंट होता है तो आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शंस सेल्फ इंस्ट्रक्शन मतलब इंसान जब अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है या गाइडलाइंस देता है जैसे अगर मैंने फर्स्ट टर्म के मैथ्स एग्जाम में 50 स्कोर किया आउट ऑफ हंड्रेड राइट आई रियलाइज कि मेरा स्कोर इज नॉट वेरी गुड मैंने अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शन दिए या आई मेड गाइडलाइंस फॉर माई ओन सेल्फ कि मैं टाइम टेबल बनाऊंगी एवरी डे आई एल गिव टू आर्स टू मैथ्स यहाँ मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ अपने आप के लिए नॉर्म या गाइडलाइंस बना रही हूँ मुझे कोई और इंसान नहीं कह रहा कि आप घंटे दो घंटे दीजिए मैथ्स के लिए यहाँ मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हुए अपना बिहेवियर चेंज कर रही हूँ जो कि कंट्रोल है इस टेक्निक को हम सेल्फ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं नाउ द थर्ड टेक्निक इज सेल्फ री इन्फोर्समेंट्स क्या होती हैं कि किसी इंसान ने कोई अच्छा बिहेवियर किया आप उस बिहेवियर को पॉजिटिवली जब रिवॉर्ड करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड री जैसे सपोज इफ देर इज अ मदर जिसने अपने बच्चे को बोला कि आप अपना बेड बनाइए एंड इफ द चाइल्ड मेक्स द बेड एवरी डे द मदर गिव्स अ टॉफी तो वो जो टॉफी है दैट इज़ अ री ये टॉफी सेल्फ री का पार्ट है जहाँ पे आप अपने आप को री देते हैं यानी अगर आपने अपने लिए एक एम सेट किया रोज उठ के सपोज आई एल मेक माई बेड और आई एल बी रेगुलर आई एल गो फॉर अ जॉग अगर आप रोज जॉग करने जाते हैं सो यू कम बैक एंड आप अपने आप को एक रिवॉर्ड देते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ री यानी कोई तीसरा इंसान वहां पे इन्वॉल्व नहीं है आप अपने आप को एक अच्छा अपना बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए एक अवार्ड दे रहे हो नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड सेल्फ इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंसान का कल्चर उसके सेल्फ को यानी उसकी पर्सनालिटी को उसका जो अपने बारे में जो सोच है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन द वेस्टर्न कल्चर द सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट एंटिटीज विद क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज यानी जो अमेरिकन देश हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे इंसान का सेल्फ यानी खुद और ग्रुप के बीच में बहुत क्लियर बाउंड्रीज होती हैं इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंटेन द इंडिविजुअलिटी यानी पहले मैं एक इंसान हूँ उसके बाद मैं किसी फैमिली से आता हूँ राइट सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी प्रोमिनेंट इन अमेरिकन कल्चर्स या वेस्टर्न कंट्रीज इसलिए इन देशों को इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज भी बोला जाता है बिकॉज उनका सेल्फ इंटरेस्ट कम्स बिफोर एनी अदर ग्रुप इंटरेस्ट वेर आज इसके कॉन्ट्रास्टिंग में क्या है इन द इंडियन कल्चर द सेल्फ इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन जोन ग्रुप रादर बोथ रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस यानी इंडिया में क्या है आपका सेल्फ आपके ग्रुप से अलग नहीं है बल्कि दोनों आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और आपका ग्रुप कॉन्सेप्ट दोनों आपस में हारमोनीसली रहते हैं इसीलिए इंडिया में फैमिलीज और इंडिविजुअल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं एंड हम इसीलिए हमारी हमारे जैसे देशों को क्या कहते हैं कलेक्टिविस्टिक नेशंस नाउ वी कम टू हेडिंग ऑफ और द टॉपिक ऑफ पर्सनैलिटी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं पर्सनैलिटी रेफर्स टू आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन यानी एक इंसान के वो तरीके जिससे वो या तो दूसरे इंसानों से बात करता है या भिन्न भिन्न सिचुएशंस में रिएक्ट करता है इंसान के ऐसे कलेक्टिविस्टिक तरीकों को हम पर्सनालिटी कहते हैं पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी आपको एक बार आप क्लास में गए आपकी किसी से लड़ाई हो गई आपने उस टाइम गुस्सा कर दिया दैट इज़ नॉट योर पर्सनैलिटी बट अगर सेम सिचुएशन में आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी कहलाएगी इसीलिए दीज आर रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज यानी ओवर टाइम जो चीज़ें धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं और वो समय के साथ बदलती नहीं हैं सिर्फ केवल वही चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट कहलाती हैं रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी हो सकता है सिचुएशन बदल जाए बट जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स है वो नहीं बदलेगा और वही सारे रिस्पॉन्सेज मिल मेरे को एज अ पर्सन डिफाइन करेंगे एंड दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ हु आई एम नाउ देर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स विच वी शुड लुक एट द फर्स्ट इज टेम्परमेंट अब टेम्परमेंट क्या होते हैं टेम्परमेंट आप बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग यानी वो तरीके जो आपके बायोलॉजिकली आपके उसमें आते हैं जैसे सपोज किसी किसी का गुस्सा बहुत हाई होता है सो वॉट वी से इस इंसान का टेम्परमेंट इज हाई नाउ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इट इज बिकॉज आपका जो टेम्पर है दैट इज योर बायोलॉजिकली बेस्ड यानी वो जो आपका ट्रेट है दैट इज बाय योर जीन्स ऐसी चीज को हम टेम्परामेंट बोलते हैं बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग आपके वो तरीके जो आपको बायोलॉजिकली मिले हैं और आपको रिएक्ट करने में मदद कर रहे हैं सो योर एंगर इज हेल्पिंग यू टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन बट इट कम्स फ्रॉम योर जीन्स एंड नॉट फ्रॉम योर लर्नड बिहेवियर नेक्स्ट इज ट्रेट अब ट्रेड क्या होते हैं ट्रेड्स आर स्टेबल परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वेज ऑफ बिहेविंग जैसे फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी को हम ट्रेड कह सकते हैं क्योंकि स्टेबल है अगर एक इंसान रोज अपने ऑफिस सुबह नाइन ओ क्लॉक शाप पहुंच रहा है तो ये ट्रेट है क्योंकि वो स्टेबल है यानी इट इज़ नॉट चेंजिंग ओवर टाइम परसिस्टेंट है एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग है स्टेबल है बार बार होता है और वो उस इंसान की एक स्पेसिफिक बिहेवियर तरीके को बताता है इस चीज़ को हम ट्रेड कहते हैं

एंड अगर आप सोचो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है सपोज इफ ही डेट गुड मार्क्स राइट सो यू ऑलरेडी नो कि उसके बिहेव करने का मोरोलेस क्या तरीका होगा ऐसी सिचुएशन में यानी yani, इंसान की वो टेंडेंसी या वो डिस्पोजिशन टू रिएक्ट टूवर्ड्स गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे लाइक आई नो इफ माई फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स विल बी वेरी हैप्पी मुझे ये चीज़ कैसे पता चली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देर आर पीपल जिनके फिफ्टी परसेंट मार्क्स भी आते हैं दे आर नॉर्मल अबाउट इड सो नोइंग योर फ्रेंड आपने एक इंसान का बिहेवियर ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम जज किया एंड देन अगर कोई चीज़ नहीं भी हुई है तो आपको पहले से ही पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मोरवललेस मेरा फ्रेंड ऐसे ही रिएक्ट करेगा बिकॉज यू जज इट ओवर टाइम नेक्स्ट इज कैरेक्टर द ओवरऑल पार्टर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर्स नाउ कैरेक्टर इज अ टर्म जो आपने बहुत कॉमनली हर्ड होगा इट इज समथिंग वी हियर इन अर डे टू डे लाइफ राइट टीचर्स ऑल्सो से इम्प्रूव योर कैरेक्टर वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टर आर यू शोइंग ये क्या होता है आपका जो पर्सनैलिटी का ओवरऑल पैटर्न होता है ऑफ रेगुलरली अक्रिंग बिहेवियर आपका एक कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ हाउ योर बिहेविंग इन डे टू डे डिफाइन्स योर कैरेक्टर व्हाट इज हैबिट हैबिट इज़ ओवर लर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग यानी जो ऐसी कोई आदत जो आपने बार 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 करने के बाद अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया जैसे एवरी डे यू वेकअप एंड यू ब्रश योर टीथ्स राइट नाउ दिस हेज बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बिकॉज आपने एवरी डे वो चीज फॉलो की है सो हैबिट इज एन ओवर लर्न ओवर लर्न क्यू क्योंकि ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम आपने ये चीज बहुत बार की है मोड्स ऑफ बिहेवियर एंड नाउ आफ्टर रिपीटिंग इट फॉर सो मेनी ईयर्स इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर द नेक्स्ट इज वैल्यूज वैल्यूज क्या होते हैं गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल टू अचीव यानी एक इंसान की लाइफ में हमेशा ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं या ऐसे कुछ एम्स होते हैं रिगार्डिंग हाउ ही शुड बिहेव राइट हो सकता है कि कोई इंसान पंक्चुअल नहीं है बट हो सकता है ही वॉन्ट्स टू इंक्लूड दैट इन सिस्टम सो उसका वैल्यू सिस्टम इज कि ही हैज टू बी पंक्चुअल इन लाइफ राइट सो दीज आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू अचीव हर इंसान की अलग अलग वैल्यूज होती हैं एंड इन योर लाइफ यू डू वॉन्ट टू अचीव दोज वैल्यूज सो विद दीज पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास हमने क्या कवर किया इस क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट कमिंग अप क्लास वील टॉक अबाउट द थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी डू स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट बिलो थैंक यू